वहीं धर्मनगरी हरिद्वार जहां धार्मिक कार्यों के लिए जानी जाती है, वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से देश के प्रमुख लेखकों द्वारा प्रकृति के संरक्षण की एक मुहिम का आगाज किया गया। देश के जाने माने लेखक उप न्याय साकर निलय उपाध्याय हरिद्वार में प्रकृतिवादी को लेखक संघ की स्थापना की गई, जिसमें डॉक्टर मेनका त्रिपाठी को संयोजक बनाया गया। आपको बता दें कि निलय उपाध्याय के द्वारा अनेक उपन्यास और किताबें लिखी जा चुकी हैं। उन्होंने देवों के देव महादेव सीरियल्स की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। उनकी अध्यक्षता में आज हरिद्वार में तमाम लेखकों द्वारा एक बैठक कर प्रकृति के संरक्षण के लिए संकल्प लिया गया। मैंने कहा कि हरिद्वार मनुष्य की भूमि नहीं है, यह देवभूमि है और मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह प्रकृतिवादी लेखक संघ की स्थापना का दायित्व लेकर के आया हूँ। और इसकी शुरुआत मैंने पटना में की, और जैसा विदित है कि बलि का क्षेत्र है, वो पाताल लोक है, बलिया से बनारस के नीचे बलि का विस्तार होता है और काशी के ऊपर जो है मृत्युलोक का विस्तार दिखता है। फिर काशी में मैंने इसकी स्थापना की और अब मैं उसी की स्थापना के लिए आज यहाँ हरिद्वार में आया हुआ हूँ। और आज की तिथि और कहीं हो ना हो, मेरे मानस में तो एक बिल्कुल पवित्र तिथि के रूप में अंकित होगी कि आज प्रकृतिवादी लेखक संघ की स्थापना यहाँ हरिद्वार में मेनका जी के इस घर में हो रही है। इस बैठक में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐतिहासिक बैठक है, क्योंकि प्रकृति हमारा एक मूल हिस्सा है। और निलय जी ने बहुत संक्षेप में, बहुत सरल शब्दों में एक चीज़ समझाई है मुझे कि प्रकृति आठ तरीके की होती है और हमारी जितनी भी समस्याएँ हैं वो हमारी आंतरिक है, ना कि बाहरी। और बहुत ही आसानी से समझाते हुए इसे सांख्य दर्शन से जोड़ा और अध्ययन की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सीखते और सिखाते हुए मैं इस आंदोलन में अपने मन से, वचन से, कर्म से, निष्ठा से लेखनी को समर्पित होते हुए